पीडब्ल्यूडी नगर निगम का रिजल्ट कब आएगा और उस पर उसकी नियुक्तियां कब होंगी। दोस्तों, इस तरह के सवाल आपके मन में बहुत दिनों से चल रहे होंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़े हैं कि पीडब्ल्यूडी नगर निगम का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो डिले हो गया है, अपने टाइम से बहुत डिले हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें लोगों में चल रही है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है या क्या हो रहा है, अभी तक रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया गया है। तो उस पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक न्यूज़पेपर का कटिंग है ये, ठीक है, जिसपे प्रकाशित किया गया था पत्रिका पर कि आचार संहिता के दौरान चालू रहेंगी भर्ती प्रक्रियाएं, नतीजे नहीं होंगे घोषित। इसका मतलब है दोस्तों कि आचार संहिता लोकसभा चुनाव के लिए जो लग चुकी हैं आदर्श रूप से, तो इस पे जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, वो तो चालू रहेंगी, लेकिन जो नतीजे हैं एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब उसके नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस पर देखते हैं क्या लिखा गया है। इस पर लिखा गया है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शुरू हुई भर्ती प्रक्रियाओं पर कोई रोक नहीं होगी। ठीक है, जो पहले से भर्ती निकल चुकी है उसकी परीक्षाएं तो होंगी। ठीक है, हालांकि आचार संहिता लागू होने रहने तक न परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे, इसके आप ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे और न ही कोई नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। ठीक है, इस संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कलेक्टरों को कमिश्नरों को लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मेन यही था कि अब इस पर आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो अभी पॉसिबल नहीं है कि वो परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकें। इसके लिए बहुत सी प्रोसेस है कि परमिशन लेके कर सकते हैं चाहे तो, अगर वो तो कलेक्टर के द्वारा, चुनाव आयुक्त के द्वारा, तो लेकिन अभी तक सूत्रों के हिसाब से जो पता चल रहा है तो वही है कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो अब इसका रिजल्ट अभी प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को लग रहा था कि रिजल्ट क्यों घोषित नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट में डिले हो चुका है, लेकिन अब डिले के कारण ये और डिले में हो गया है रिजल्ट, ये जो कम से कम 2 से 2.5 महीने अब रिजल्ट और नहीं आएगा। ठीक है, तो अब चैनल के साथ बने रहिए, अगर कोई अपडेट और आती है तो मैं आपको सूचित कर दूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।